बादल बन गया है, एक परिवार की जायदाद बन गया है। ते हालात वेखो जिहड़ी देश की आजादी च जूझते रहे होण, अज पंजाब च चार जिहड़े बाई इलैक्शन होण जा रहे हैं, जिहदे चों बठिंडा जिले की गिदड़बाहा भी है, उस बाई इलैक्शन तो भी भगौड़ा हो गया। यह बड़े अफसोस की गल है और ये पिछे कारण एक ही है। कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि अज श्रोमणी अकाली दल बादल परिवार है, बादल परिवार इज इक्वल टू श्रोमणी अकाली दल। और इस तो भी वड्डी जिहड़ी गल मैं तुहानू दसना चाहना, जदों ये लोग सत्ता सीगे, जदों सत्ता दे हंकार च सत्ता दे नशे च चूर सी, उदों सिख संस्थावां दे जथेदार साहिबानां नूं तलब करदे सी, सिखां दे घाण करन वालिआं नूं वड्डे वड्डे अहुदे ते वजीरियां दिंदे सी। बादल के पंजाब और पंथ दे दोखियां नूं वड्डियां पदवियां दिंदे सी। अज जदों भगौड़े होए इलैक्शन तों ते ढाल किहनूं बना रहे आ? श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे बनाए अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं ढाल बना रहे आ। उही जथेदार साहिबान जिन्हां नूं इन्हां ने सत्ता दे नशे च सत्ता दे अहंकार च इस बादल टब्बर ने अपने घर तलब भी कीता सी, ते बेअदबी कराउण वालिआं नूं पंथ दोखियां नूं जिहड़ी जिस तरीके नाल उहनां नूं माफीनामे इन्हां ने दवाए, उदों पंथक संस्थावां दी सब तो वड्डी ढा पंथक संस्थावां नूं इस बादल परिवार ने लाई सी। अज जदों भगौड़े होए इलैक्शन चों ते ढाल किहनूं बना रहे आ? श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं। और ये वेखो जथेदार साहब नूं बाहर आउणा पिया, सामने आउणा पिया, मीडिया दे मुखातब होना पिया कि असी पाबंदी सत्कारयोग परम सत्कारयोग जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं ये कहना पिया मीडिया च आके, असी पाबंदी सिर्फ और सिर्फ श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान तनखाइए सुखबीर बादल ते लाई आ, अकाली दल ते कोई असी इलैक्शन लड़न की पाबंदी नहीं लाई। हालात देखो तुसी, पंथ परिवार दे मोच नूं परिवार दे मोह नूं पालन वास्ते इन्हां ने पंथ का घाण किया, श्रोमणी अकाली दल जमात का घाण किया, कोई लीडरशिप डिवेलप नहीं होने दित्ती, क्योंकि परिवारवाद तो अगे इन्हां नूं कोई बंदा दिखिया ही नहीं। इन्हां ने उस पवित्र जमात ने हजारां लखां लीडर इस मुल्क नूं पंजाब नूं पंथ नूं दित्ते होण, अज चार असैंबली सीटां को कैंडीडेट नहीं मिल रहे। ये अगर कोई दोषी है, अज अगर बाई इलैक्शन च भगौड़ा होने ली कोई दोषी है तो बादल का टब्बर है, बादल परिवार है। अरे कल्ले कोई अकाली दल दे सिर्फ और अकाली दल दे दोखी नहीं है, ये पूरे पंथ और पंजाब दे दोखी है। इन्होंने सत्ता च रह के पंथक संस्थावां दा घाण करन दी साजिशां कीतियां, ढा लाई, माण मर्यादावां उन्हां दियां तोड़ियां, तलब कीते, फरमान जारी कीते ते पंथ दोखियां नूं रुतबे दित्ते, ते अज जदों पतली गली चों भज रहे आ चार बाई इलैक्शनां तों, ते ढाल फिर श्री अकाल तख्त साहब नूं बनाउण दियां जिहड़ियां कोशिशां जारी कर रहे, पंथ बिल्कुल इन्हां नूं माफ नहीं करूगा। दूजी गल, मैं कल एक बयान सुनिया राजा वड़िंग कांग्रेस के प्रधान, हालांकि माफी उन्होंने जरूर मंगी आ, लेकिन कांग्रेस की और राजा वड़िंग जी की बतौर प्रधान जो मानसिकता है सिख संस्थावां दे प्रति घटिया मानसिकता है, उहदा प्रगटावा जिस तरीके ने उन्होंने किया, आखे जी बादल परिवार की लिखी हुई स्क्रिप्ट ते जथेदार काम कर रहे हैं ना, की कह रहे हैं देखो सब तो इंटरस्टिंग, आखे जी बादल परिवार बीजेपी नूं जिताउण लई आप इलैक्शन का बायकट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कैंडीडेट मनप्रीत बादल है। राजा वड़िंग का यह कहना
कि बादल परिवार की लिखी हुई स्क्रिप्ट ते जथेदार साहब काम कर रहे हैं और बादल परिवार ही बीजेपी नू जितोण लई आप बायकट कर रहा इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इहदा मतलब राजा वड़िंग जी तुसीं इह कहना चाहुंदे हो कि जथेदार बीजेपी दे इशारे ते काम कर रहे हैं। खबरदार कांग्रेस वाले हो, खबरदार, तुसीं उह जमात हो, लोक हो जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब ते तोपां गोलियां नहीं चलाईयां, ढा ढेरी कीता। तुसीं उह लोक हो जिहड़े हमेशा हमेशा तो सिख कतलेआम दी ते सिखां दे पंथ दे ते दुनिया भर के नानक नाम लेवल लोगों की सब तो श्रद्धा का केंद्र श्री दरबार साहब ते तुसीं अटैक कीता सी कांग्रेस वाले हो और तुसीं इस तरीके नाल साडे उस पवित्र संस्था नूं बीजेपी नाल जोड़ दी हिमाकत कर रहे हो। खबरदार, तुहानूं भी पंथ और पंजाब कदी माफ करन वाला नहीं है। और यही हालात हैं, मैं पंजाब के लोगों भी दसना चाहुंदा, यही हालात हैं कि चाहे श्रोमणी अकाली दल बादल होवे, चाहे कांग्रेस की जमात होवे, भाजपा ते ऑलरेडी ही पंथ और पंजाब के खिलाफ सी ते है ते रहना उन्होंने, लेकिन इन दोनों जमातां जिन्होंने कई साल राज कीता पंजाब ते अकाली दल बादल टब्बर और कांग्रेस, इन्होंने हमेशा ही इस तरीके नाल साडियां सब तो श्रद्धा का केंद्र साडियां पवित्र संस्थावां नूं इस तरीके नाल ढा ढेरी और उन्होंने डीफेम किया। इन्होंने हमेशा उन्होंने माण मर्यादावां ते हमेशा सवाल चुके आ, यही इन्हों का कल्चर रहा, चाहे वह कांग्रेस की गल कर लो चाहे बादल टब्बर की। इन्होंने साडियां संस्थावां सिखां दियां और पंजाब दियां संस्थावां ते इस तरीके नाल उंगलां भी चुकियां है और उन्होंने हमेशा कोई कसर नहीं छड्डी बदनाम करन तों। लेकिन अज समां बदल गया, पंजाब पंथ और पंजाब के लोग नौजवान खासकर जिन्होंने बाई च भी उन्होंने सबक सिखाया सी राजनीतिक तौर पर बाहर किते किते आ, हुण किते भुलेखा ना रहे कांग्रेस बादल टब्बर नूं, क्योंकि सारे इको थाली दे चट्टे बट्टे आए, सारे आपस रिश्तेदार है, जदों जी करदा साडियां पवित्र संस्थावां नूं वरत लैंदे आ, जदों जी करदा उन्हां नूं उन्हां ते एलीगेशन ते इल्जाम तराशी करन लग जांदे आ, जदों जी करदा उत्थे बलटोए वर्गे बदमाशां नूं भेज के जथेदारां नूं धमकियां दिंदे आ। यह उही जमातां है दोनों, अपने अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाउण लिए लोग जिहड़े आ अज तक पंथ पंजाब और सिखां दा कान करदे रहे, पर हुण ना पंजाब ना पंजाबी ना पंथ इन्हां नूं बर्दाश्त करूगा और साडियां जिहड़ियां पवित्र संस्थावां, चाहे वह श्री अकाल तख्त साहिब होवे, चाहे उत्थों दे साडे सत्कारयोग जथेदार साहिबान होण, हमेशा चढ़दी कला च रहणगे और इस पंथ दोखियां नूं पंजाब दोखियों नूं कभी पंथ मूँह नहीं लाऊगा, लोग मूँह भी नहीं लाउणगे और उचित समय से इन्हों सबक भी सिखाउणगे। ये मैं जरूर अज कहना चाहुंदा। बिल्कुल असी राजा वड़िंग जी नूं भी खबरदार कहने, कोई हक नहीं तुहानूं जिहड़ा इंदिरा गांधी नूं अपनी मां कहिंदा होवे उहनूं कोई श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ते उंगल उठाउण दा कोई हक नहीं है। बेशक अज तुसीं ड्रामा करदे हो, माफ़ी मंगी, पर तुहाडी अंदरली मानसिकता राजा वड़िंग और कांग्रेस की उहदी झलक पई आ और बादल टब्बर का जिहड़ा हालात ते हशर होया, अज हालात ये आ कि भगौड़े हो गए पंजाब के और इन्हां नूं गांह भी लोगों ने मूँह नहीं लाउणा, जिन्होंने भोग पाता पंजाब की पवित्र जमात की। लेकिन अखीर पंथ पंजाब हमेशा चढ़ती कला च रहा ते हमेशा रहूगा। इस विषय से तुहाडा कोई सवाल होवे ते कर सकदे। बहुत बहुत धन्यवाद।